नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की विशेष खबर पर। अब एक्सप्रेस वे किराए में करें राजधानी शताब्दी में सफर। आपने मेल या एक्सप्रेस ट्रेन का टिकट बुक किया है और आपका नाम प्रतीक्षा सूची में रह जाता है तो आपको 1 अप्रैल से राजधानी या शताब्दी ट्रेनों में सफर करने का मौका मिल सकता है, बशर्त कि आपने टिकट बुक कराते समय विकल्प चुना हो। दरअसल रेलवे 1 अप्रैल से एक नई योजना शुरू कर रहा है। इसके तहत प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को अगली वैकल्पिक ट्रेन में कन्फर्म सीट मिल सकती है, बशर्त उनसे टिकट बुकिंग के समय विकल्प चुना हो। इस योजना के मुताबिक यात्रियों से कोई अतिरिक्त पैसा नहीं लिया जाएगा, न ही किराए में अंतर के लिए कोई फंड दिया जाएगा। विकल्प नाम की इस योजना के तहत सभी मुख्य मार्गों पर राजधानी शताब्दी दुरंतो या सुविधा जैसी अन्य विशेष सेवा वाली ट्रेनों में खाली रह चुकी सीटों को भरा जाएगा। गौरतलब है कि रेलवे को विभिन्न कारणों से टिकटों को रद्द करने जाने के चलते यात्रियों को साल में करीब 7,500 करोड़ रुपए रिफंड करना पड़ता है। रेलवे के एक अधिकारी ने इस योजना को यात्री हितैषी बताते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य दोहरा उद्देश्य प्राप्त करना है। इस योजना के तहत प्रतीक्षा सूची के यात्रियों को कन्फर्म सीट मुहैया कराना और उपलब्ध सीटों को खपाना सुनिश्चित करना। प्रीमियम ट्रेनों में फ्लेक्सी फेयर प्रणाली शुरू किए जाने के बाद से सीटें खाली रह जाती है। फिलहाल 1 नवंबर से इस योजना को रेलवे 6 मार्गों पर पायलट आधार पर चला रही है। अभी यह प्रणाली ऑनलाइन टिकट लेने पर उपलब्ध है, लेकिन इसे टिकट खिड़की पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सुषमा ने सऊदी अरब में फंसे 29 भारतीयों की रिहाई सुनिश्चित करने को कहा। काले धन पर सरकार सख्त, नगद लेनदेन की सीमा 2 लाख कराने का प्रस्ताव। धनबाद में पूर्व उपमहापौर नीरज सिंह समेत 4 की गोली मारकर हत्या। संदिग्ध खालिस्तानी आतंकवादी दिल्ली में गिरफ्तार। मोगादिशु में राष्ट्रपति आवास के पास कार बम विस्फोट, 4 मरे।